अगर देखे ना तो दिल करता है सर ऐसा करो, ये जो दिल करता है ना, ये डायलॉग अमीरों के लिए बना है, मेहनती इंसान के लिए नहीं। जो अमीर बनने की कोशिश कर रहा है ना, उसके लिए दिल शब्द है ही नहीं भाई। दिमाग की सुन ले, दिल तो पता नहीं क्या क्या करता है पगले। ठीक है, दिल कह रहा है कि पढ़ ले, तो इसका मतलब दिल पढ़ने की नहीं कह रहा, दिल मौज मस्ती के लिए कह रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ने का मन कर रहा है, तो थोड़ी देर ही पढ़ेगा वो, 5-10 मिनट, फिर कहेगा दिल कर रहा है कि अब यार गाने सुन ले, फिर करेगा दिल कर रहा है कि यार थोड़ा घूम ले, फिर दिल कर रहा है कि यार मौज मस्ती कर ले। दिल है जी, रंग बदलता है आसपास के हिसाब से, दिमाग कभी रंग नहीं बदलता। दिमाग हमें हमारी औकात का एहसास कराता है। जब हम बाहर दोस्तों के साथ होते हैं ना, जो जिनकी फैमिली का बैकग्राउंड पैसे वैसे वाला है, पैसे हैं उनके पास, ठीक है भाई साहब, तो वो मौज मस्ती करते हैं, पता चला घूमने निकल गए, पता चला भाई साहब जो हम महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, तो हमारा भी दिल करता है यार हम भी महंगे कपड़े पहने, ठीक है, हम भी अपना महंगी सी बाइक निकाले घूमने जाएं वीकेंड पे, मन तो करता है, ठीक है, दिल तो करता है। फिर हम घर जाते हैं, घर पे देखते हैं माँ बाप पाई पाई जोड़ रहे होते हैं कि औलाद पढ़ लेगी तो उसे हमारी जैसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, वो अच्छी और बेहतर जिंदगी जी पाएंगे हमारे बच्चे। वो पाई पाई जोड़ के तुम्हारी फीस का इंतजाम कर रहे होते हैं कि आगे जाके क्या पता इसके पेपर आ रहे हैं, कोई किताब ना कह दे मुझे ये किताब लेनी है, पेपर आ रहे हैं कहीं ये ना कह दे मुझे एक और बार कोचिंग करनी है, पेपर आए आ रहे हैं कहीं ये ना कह दे मेरे को स्टडी टेबल ला के दे दो, पेपर आ रहे हैं कहीं ये ना कह दे यार एक और ट्यूबलाइट लगा दो। फिर दिल को समझाना पड़ता है यार, फिर काम आता है दिमाग। तो साला पहले ही दिमाग की सुन लो, इस दिल को ये पता चल जाएगा, ये दिमाग से काम लेगा दिल से नहीं। मेरे दोस्त दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है, बात बन जाएगी, दिल का इस्तेमाल करोगे तो गड़बड़। और दिल दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना आ जाए तो भाई सब लाइफ ही वाह है। ठीक है, अब दिल कहता है मौज मस्ती कर ले, दिमाग कहता है फिर कमा तो ले तो कमाने बैठ जाए, फिर दिल कहता है मुझे ये जॉब चाहिए हाँ तो फिर पढ़ने बैठ जाए। फिर भाई दिल और दिमाग दोनों से काम लेना सीख गए तो बेटा मजा आ जाएगा भाई, फिर तो दिल का बेवकूफ बनाना है। दिल कहता बढ़िया ये जॉब चाहिए तो दिमाग कहता फिर उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, फिर पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है, फिर तो पढ़ने बैठ जाओ। अरे हमारे जवान लोंडे का एक प्यारा सा ख्वाब, इतना ही तो प्यारा सा ख्वाब है यार, एक महंगी सी 15-1 लाख की बाइक को, 5-7 लाख की बाइक को, वीकेंड पे अपना मस्त अपना भाई साहब हम भी घूमे हैं। लड़कियों का तो पता नहीं बेटा, लड़कों का तो ये ख्वाब है, सबसे पहला ख्वाब होता है। फिर यार थोड़ी गाड़ी मिल जाए, 4 छल्ले वाली हो, ठीक है, या BMW हो या ऑडी हो, भाई साहब है छल्ले वल्ले और मिल जाए तो भाई साहब लाइफ ही बारी नहीं हो जाएगी, उससे तो अच्छा ही नहीं। बट ये दिल कहता है मेरे दोस्त, दिमाग से पूछ, वो हालात लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे भाई प्लीज मेहनत कर लो, प्लीज मेहनत कर, हर बच्चे का ख्वाब। और मेरे बच्चे इस ख्वाब में छोटा सा ख्वाब जोड़ दो, वो जो माँ बाप आपके लिए खून पसीना कर रहे हैं ना, उनको घुमाने भी लेने जाना है तुमने यार, उन्होंने नए कपड़े नहीं खरीदे सालों से, उनको नए कपड़े भी दिलवाने हैं। तो लालची इंसान थोड़ा ये भी सोच ले, कुछ ख्वाहिशें हैं इस जिंदगी में जो पूरी करनी है, बट मेरे दोस्त कुछ बोझ भी है इस दिल पर, कुछ फर्ज भी है इस दिल पर जो निभाने हैं। बोझ उन दोस्तों का जिन्होंने मेरी मदद की है, मुझे भी फ्यूचर में उनकी मदद करनी है, और मेरे पुत्र फर्ज उस माँ बाप को हर वो सुख देने का जिसके लायक हमें वो बनाना चाहते हैं। इसलिए भाई इस दिल को एहसास करा कि जो तू कहता है उसके अलावा भी मेरी जिंदगी में बहुत सारे बोझ और बहुत सारे फर्ज हैं जो मुझे निभाने हैं, और फिर कुछ अच्छाई भी हैं अपनी जिन्हें थोड़ा थोड़ा मुझे भी पूरा करना। तो ये याद रखिएगा, उसके बाद साला ये दिल आपसे कुछ कहने को करेगा ही नहीं, क्योंकि जब जब ये मौज वाली बात कहेगा तो ये जिम्मेवारी भी बात कहेगा। बेटा हमारा फर्ज भी बनता है, हमारी जिम्मेवारी भी बनती है। वो जो माँ बाप जिन्होंने गरीबी में जिंदगी बिताई ना, बुढ़ापा गरीबी में नहीं करना चाहिए। और एक बात मैंने आज से पहले, मुझे याद नहीं किस मोटिवेशन वीडियो में मैंने अपनी में एक बात कही थी, मेरे माँ बाप गरीब हैं, अगर गरीबी में ही उन्हें दुनिया छोड़नी पड़ी ना, साला लालत है मेरी जवानी पर, बात याद रखिएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पढ़ने बैठ जाओ। मेरे माँ बाप गरीब हैं और गरीबी में ही उनका बुढ़ापा गया ना, तो लालत है ऐसी जवानी, याद रखिएगा मेरे दोस्त। मेहनत झोंक दो बस, मेहनत, नौकरी लेनी है, और माँ बाप के बहुत छोटे छोटे सपने हैं कि आप लोग बेफिक्र रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, ठीक है, हर जगह छोटी छोटी खुशियां बांटते घूमें और उनको घुमाने ले जाओ। माँ बाप ने कोई बड़े शौक नहीं पाल रखे हैं यार, माँ बाप को कोई बाइक नहीं चाहिए बुढ़ापे में, तो आपका आने वाला बेहतर फ्यूचर ही सबसे बड़ा उनके लिए एक गिफ्ट होगा। तो मेहनत कीजिए, ठीक है, और अपने आप को जरा दिल के साथ साथ दिमाग से भी।